ओमिक्रॉन पर 1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लग सकता है ब्रेक, कई देश प्रभावित। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक मोटापे की चपेट में बचपन, दिल्ली में 4 साल में 3 गुना बड़े मामले। संसद का विंटर सेशन, मोदी बोले सरकार हर मुद्दे पर चर्चा और जवाब देने को तैयार, संसद में सवाल हो और शांति भी। और कल से पहाड़ी राज्यों में होगी बर्फबारी, मध्य भारत में बारिश होने की संभावना, बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप से जंग के लिए सरकार ने चौकसी बढ़ा दी है। विदेश से आने वाले यात्रियों को 1 दिसंबर से यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण भी बताना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब खतरे वाले देशों से आने वाले की भारत आते ही कोरोना जांच होगी। रिपोर्ट आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोका जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन घर पर या फिर जहां भी ठहरे हो वहां क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा जांच होगी। इसमें भी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो फिर अगले 7 दिन खुद पर निगरानी रखनी होगी। अन्य देशों से आने वालों को हवाई अड्डे से निकलने की अनुमति तो होगी, पर उन्हें 14 दिन खुद की निगरानी करनी होगी। लक्षण दिखने पर सूचना प्रशासन को देनी होगी। इन देशों की उड़ानों के 5% यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच कराई जाएगी। पॉजिटिव मिलने पर उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। कोरोना संबंधी लापरवाही का दृश्य हर ओर दिख रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना के बराबर है। सैकड़ों लोग शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को निगरानी व टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कंटेनमेंट नियम लागू करने, जांच बढ़ाने व हॉटस्पॉट पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने को भी कहा है। 24 नवंबर को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के B1.1529 वेरिएंट ओमिक्रॉन बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व इटली में दस्तक दे दी है। COVID-19 महामारी को फिर से बढ़ने का खतरा पैदा कर रहे वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए और असामान्य लक्षण सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासकीय राजधानी प्रिटोरिया में निजी सेवाएं दे रही डॉक्टर एंजेलिक कोएटजी ने इलाज के दौरान ये लक्षण देखे हैं। डॉक्टर कोएटजी को ओमिक्रॉन संक्रमण रिपोर्ट आने वाली पहली डॉक्टर माना जाता है। वे शोध के लिए वैज्ञानिकों को जानकारी मुहैया करवा रही है। और अब एक बात रिसर्च की करते हैं। मोटापा दूर करने के लिए अक्सर चिकित्सीय सलाह देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती है, लेकिन अब ये सरकारी आंकड़ों में भी आ चुका है कि देश की राजधानी दिल्ली में मासूम जिंदगियां तेजी से मोटापे की चपेट में आ रही हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बीते 4 साल में मोटापा ग्रस्त बच्चों की संख्या 3 गुना से अधिक बढ़ी है। साल 2015-16 में जब चौथा सर्वेक्षण सामने आया था तो उस दौरान दिल्ली में ऐसे बच्चों की अनुमानित संख्या तकरीबन 1.2% थी, लेकिन अब ये बढ़कर 4% हो चुकी है। रिपोर्ट में ये स्थिति उन बच्चों में बताई जा रही है जिनकी आयु 5 वर्ष या फिर उससे कम की है। डॉक्टरों की माने तो बच्चों में मोटापा आमतौर पर पारिवारिक माना जाता है। अगर माता पिता मोटे हो तो उनके बच्चे भी मोटे हो सकते हैं। इनके अलावा बहुत से घरों में कोई भी सदस्य मोटा है तो बच्चे का शरीर मोटा होता जाता है। लेकिन अब चिकित्सीय वर्ग और कई अहम कारण भी मान रहे हैं, जिनमें बच्चों में बढ़ती अस्वस्थ खानपान के साथ कोरोना महामारी के अलावा माता पिता के विशेष ध्यान नहीं दे पाने से जैसे कारण शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी उससे ठीक सप्ताह भर पहले आधा सर्वेक्षण पूरा हो चुका था। 4 जनवरी से 21 मार्च के बीच पहला चरण पूरा होने के बाद देश में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद 21 नवंबर 2020 से इस साल 21 जनवरी 2021 तक दूसरा चरण पूरा किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य ये है कि दिल्ली में शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में मोटापा दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्रों के बच्चों में 4
तो ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% बच्चे मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। जंक फूड, बहुत ज़्यादा तेल मसाले, आए दिन बाहर का खाने की जिद हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते बच्चों की ये दिनचर्या बनती जा रही है और इसका परिणाम इस प्रकार सामने आ रहा है कि ये बच्चे मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। कोरोना ने घर बैठे बच्चों को मोटापे की चपेट में तो ले ही लिया है। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से शांति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। पीएम ने कहा कि संसद में सवाल हो लेकिन शांति भी बनी रहे। हमारी पहचान इस बात से हो कि हमने सदन में कितने घंटे काम किया, ना कि इस बात से कि सदन में किसने कितना जोर लगाकर संसद को रोका। प्रधानमंत्री का इशारा विपक्ष के हंगामे की तरफ था। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण पहले सत्र में लोकसभा को 12 बजे तक स्थगित करना। संसद की कार्यवाही के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल पेश किया, जिसे लेकर सांसदों को भेजे गए संसदीय नोट की भाषा पर विवाद खड़ा हो चुका है। ये तीनों कानून पिछले साल केंद्र सरकार ने पारित कराए थे, जिन्हें विपक्षी दलों से लेकर किसान संगठनों तक के अभूतपूर्व विरोध का सामना करना पड़ा। इन कानूनों की वापसी के लिए किसान संगठन पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे हैं। लगातार विरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापसी बिल के अलावा 25 अन्य बिल भी 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान पेश करने की तैयारी की हुई है, जिनमें सबसे अहम बिल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार खुद भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल करेंसी उतारने की इजाजत दे रही है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संसद की जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट भी सदन में टेबल की जाएगी। यहाँ देखना यह है कि संसद कितनी सार्थक रूप से आगे बढ़ पाती है, क्योंकि हमारे सांसदों को संसद में समस्याओं पर फोकस करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण देश के राज्यों के चुनाव हैं और इसी को ध्यान में रखकर विपक्ष का ये हंगामा भी तय है। कृषि कानूनों पर सरकार वैसे ही बैकफुट पर है, किसान अब MSP पर अड़ गए हैं। और अब बात मौसम की। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी गड़बड़ी के कारण 30 नवंबर की रात से देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में 30 नवंबर की रात तेज हवाओं के साथ शुरू होने वाला बारिश का दौर 2 दिसंबर तक चलेगा। गुजरात में 1 और 2 दिसंबर को गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है, लेकिन पहाड़ी राज्यों की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरने की भी संभावना जताई गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 व 2 दिसंबर को तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी तेज बारिश की संभावना है। 1 दिसंबर को उत्तरी कंकण में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम आजकल खुशनुमा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में घास कटाई का काम चल रहा है। ऐसे में बारिश की संभावना से यह चिंता भी बढ़ जाती है कि घास की ढुलाई और सुरक्षित रखरखाव समय रहते हो जाए। अभी कोहरा भी जमकर पड़ रहा है और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हवा नहीं चल रही है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी
हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।